हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। और आज का करंट अफेयर्स हम देखेंगे 22 जून 2022 का करंट अफेयर्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। कल मैंने पूरे जो पुराने बैकलॉग्स थे वो कंप्लीट कर दिए, तो जिन्होंने नहीं देखा है पुराने वीडियोस 17 से 20 वाले वीडियोस, कल का तो मैंने बनाया था, 17 से 20 का जो मिसिंग वीडियोस था वो भी मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में। आपको कल के वीडियोस की और पुराने वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि क्योंकि उसमें हमने WTO, अग्निपथ, अग्निवीर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो WTO स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे देखें, क्योंकि WTO ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इंडिया क्या चाहता था, हुआ क्या है क्या नहीं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आज मैंने लिया है, क्योंकि हिंदू मेरे तो जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है द हिंदू का, उसमें मुझे अवेलेबल नहीं दिखा आज का, तो मैंने आज द इंडियन एक्सप्रेस बनाने की वो की है। लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले आज के सवालों के साथ शुरू करते हैं, जो कि प्रिलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं वो कंटेंट के साथ बने रहें, एक बार कंटेंट देखें, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट ऑल्सो एंड डू शेयर इट, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ हरप्पा हैड एश्योर्ड इरीगेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लो वॉज यूज टू डिग टू द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तीसरा है, कार्ट्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट द एग्रीकल्चरल गुड्स। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं, 1 and 2, 2 and 3, 2 only या 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मौर्यन किंगडम। मौर्यन किंगडम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द मेन स्ट्रे ऑफ इकोनॉमी इन दिस पीरियड वॉज एग्रीकल्चर। इस पीरियड का जो मेन स्ट्रे था इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर था। दूसरा कह रहा है, द मौर्यन स्टेट फाउंडेड न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स टू ब्रिंग वर्जिन लैंड अंडर कल्टिवेशन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सिताध्यक्ष ऑफिसर वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द इनलैंड नेविगेशन। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है, 1 only, 1 and 2, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर। आपको बताना है कि जो सब्सिडियरी अलायंस था उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स की इनमें से क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला, दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा, दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रिंसली स्टेट्स। आपको बताना इनमें से कौन सी चीज़ें थी सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत, 1 only, 2 only, बोथ या नन। 3 सवाल है, आंसर्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अटेम्प्ट अपनी तरफ से ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने अटेम्प्ट्स को लिखिए कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, और आप आंसर्स भी दे सकते हैं ना, तो अभी पॉज करके आप आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर उसके बाद चेक कर लीजिए। तो आंसर्स मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला सवाल, हरप्पा सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है और गलत भी है। हमको पता है कि हर जगह एश्योर्ड इरीगेशन होना क्या सही है, कि ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ हरप्पा हैड एश्योर्ड इरीगेशन, ये गलत है। जहाँ रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती थी, इरीगेशन की व्यवस्था ऑब्वियस सी बात है वहाँ ज़्यादा कराई जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जहाँ रेनफॉल प्रॉपर होती है वहाँ पे इरीगेशन की व्यवस्था क्यों कराई जाएगी। दूसरा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरा तीसरा दोनों सही हैं, तो आंसर विल बी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 था मौर्यन किंगडम के रिगार्डिंग। इसमें देखो, पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि मेन स्टे इकोनॉमी का एग्रीकल्चर था, है ना, वर्जिन लैंड्स को कल्टीवेशन के अंदर लाते थे, लेकिन सीताध्यक्ष जो था वो इनलैंड नेविगेशन को नहीं देखता था, ही वॉज द एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर बेसिकली, कहना चाहिए विलेज के ऊपर जो जो सारे लैंड थे एग्रीकल्चर उनको देखता था, सीताध्यक्ष वॉज दैट ऑफिसर। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट इसमें से गलत हो जाएगा, आंसर विल बी 1 and 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सब्सिडियरी अलायंस के अंदर का, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो रूलर्स थे उनको अपनी आर्मी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स मेंटेन करने का हक नहीं था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्शन देते थे प्रिंसली स्टेट्स की, गलत है। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्शन देते थे प्रिंसली स्टेट्स को, इसके एवज में वो पैसे भी लेते थे, सारी चीज़ें लेते थे सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये 3 सवाल हो गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन।
क्वेश्चंस, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्रिटिकली एनालाइज द अग्निवीर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को और फिर उसके बाद एक वे फॉरवर्ड भी प्रपोज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आज भी एक आर्टिकल आया है, कल भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, वैसे जो पुराना 17 से 20 वाला वीडियो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, अगर उसको आप देख लें। ठीक नहीं देखते हैं तो अग्निपथ मैं आज भी डिस्कस करूंगा, आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल। लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स, जो कि प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिर्फ फैक्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल भी है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी कि मीटी जो है, उसने डिक्लेयर किया है HDFC बैंक को, ICICI बैंक को और NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो HDFC, ICICI और NPCI को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कैटेगराइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है IT Act 2000 वो डिफाइन करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है ना, एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता हो रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग पब्लिक सेफ्टी, है ना। तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि उसका डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी एंड पब्लिक सेफ्टी। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो रहते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब कौन डिक्लेयर करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो अंडर IT Act 2000 का जो आईटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी डेटा, है ना। किसके पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी डेटा, आईटी नेटवर्क, एनी डेटाबेस और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो किसी भी आईटी नेटवर्क को, डेटाबेस को या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये किसके पास पावर है, ये पावर है किसके पास, ये पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना, और ऑब्वियस सी बात है, जब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया जाएगा तो उसके साथ उसके जो प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स हैं वो भी इन्हांस हो जाएंगे। ठीक है ना, उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। क्यों ज़रूरत पड़ती है ये CII क्लासिफिकेशन की, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये ऐसा डेटा है ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टू बिग टू फेल, जैसे टू बिग टू फेल बैंक्स होते हैं ना, DSIB बैंक जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIB बैंक्स बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं टू बिग टू फेल। तो ये बेसिकली डेटा के लिए भी आप बोल सकते हैं दिस इज टू बिग टू फेल डेटा और टू बिग टू लीक डेटा। तो ये डेटा लीक अगर हो गया या ये डेटा इस तरीके से हो गया तो ये बहुत ही बुरा इंपैक्ट कर सकता है और इट कैन लीड टू द फेलियर ऑफ पावर ग्रिड्स, इट कैन लीड टू द मेनी आउटेजेस, चाहे हेल्थ केयर की आउटेज हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज की आउटेज हो, तो बहुत सी चीज़ें इसके कारण हो सकती हैं। इसीलिए अभी HDFC, ICICI बैंक और NPCI का डेटा जो है वो CII की कैटेगरी में किया गया है। अब जो प्रोटेक्शन है CII को इंडिया में कैसे मिलती है, तो CII को प्रोटेक्शन मिलती है एक नोडल एजेंसी के थ्रू जिसको बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। याद रखिएगा, इंडिया में CII जो है उनको प्रोटेक्शन मिलती है एक नोडल एजेंसी से, उसका नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है ना, इसको 2014 में क्रिएट किया गया था और ये नोडल एजेंसी है जो सारे मेजर्स लेती है फॉर प्रोटेक्टिंग द CII। ठीक है ना, तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन करने का सारा मेजर कौन लेता है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि 2014 में बनाया गया था, 2014 में बनाया गया था और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, है ना। और NCIIPC जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग क्रिटिकल फॉर्म में सेव करके रखता है, है ना, ताकि कोई भी CII के ऊपर इंपैक्ट अगर पड़े तो उससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी जो न्यूज़ है वह है, साइंटिस्टों ने रिसेंटली कैच की है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश,
तो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश जो है वो मिली है, उसका नाम है जाइंट स्टिंगरे। याद रखिएगा, द नेम इज जाइंट स्टिंगरे, एंड ये मिली है मेकोंग रिवर ऑफ कंबोडिया में। कंबोडिया में मेकोंग रिवर जहाँ से फ्लो होती है वहाँ पर ये जाइंट स्टिंगरे मिली है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश जो कि रिकॉर्ड की गई हो ऐसी है, ठीक है ना। और जाइंट स्टिंगरे बेसिकली कैप्चर की गई है अंडर द वंडर्स ऑफ द मेकोंग प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वंडर्स ऑफ द मेकोंग प्रोजेक्ट, जो कि कंबोडिया और यूएस का कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है यूएस और कंबोडिया का, वंडर्स ऑफ द मेकोंग प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत ये जाइंट स्टिंगरे मिली है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है जो कि रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हो, ठीक है ना। और इसके पहले जो फिश मिली थी सबसे पहले, वो 2005 में मिली थी सबसे बड़ी, है ना। जिसके पहले जो ये टाइटल था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश का, वो 293 किलो की एक मेकोंग जायंट कैटफिश थी। मेकोंग जायंट कैटफिश वो थाईलैंड में मिली थी, और अब समझ लीजिए 2005 के बाद 17 सालों के बाद ये मिली है। तो ये बड़ी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ नहीं है। हो सकता है अगली जो बड़ी फिश मिले वो 50 साल या 20 साल 30 साल बाद मिले, तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल के लिए डेटा का वैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मेकोंग रिवर आप सबको पता है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो करती है। 12th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, 3rd लॉन्गेस्ट है एशिया की। ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेट्यू पे, और फिर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के थ्रू ये फ्लो करती है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, इनके थ्रू फ्लो करती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है, इन एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निपुण, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। याद रखिएगा, निर्माण वर्कर्स यानी कि जो आपके कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए एक निपुण प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है ना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ऑफ निर्माण वर्कर्स, ये 20 जून को लॉन्च की गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया, तो ये आप याद रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अपस्किलिंग के लिए बेसिकली ये काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला है ट्रेनिंग। पहले तो ट्रेनिंग देगी, दिया जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंतर्गत, है ना। रिकॉग्निशन ऑफ RBL जो था ना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये भी एक स्कीम है, उसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। देन ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लम्बिंग और इन सब की फ्रेश स्किल्स भी दी जाएंगी। देन इंटरनेशनल प्लेसमेंट थ्रू बिल्डर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो फिर इनका प्लेसमेंट भी कराया जाएगा, मतलब उनकी स्किल्स देने के बाद उनको कहीं ना कहीं काम पे भी लगाया जाएगा। अगली न्यूज है, 419 मिलियन ईयर ओल्ड चाइनीज फॉसिल शोज दैट ह्यूमन मिडिल ईयर इवॉल्व फ्रॉम फिश गिल्स। अब ये देखो, रिसर्च ऐसी जो लेटेस्ट आती हैं इन पे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है ना। तो अब मैंने वो साइंस डायरेक्ट ही करके एक वेबसाइट है, साइंस डायरेक्ट, और इस तरह से उसमें लेटेस्ट आते रहते हैं न्यूज़, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। उसी में से एक ये है कि ह्यूमन का जो मिडिल ईयर है, विच हाउसेस 3 टाइनी वाइब्रेटिंग बोन्स, उसमें मिडिल ईयर में 3 वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी की इन ट्रांसपोर्टिंग साउंड वाइब्रेशन इन टू द इनर ईयर। तो ये काम क्या करता है कि जो हमारे आउटर ईयर से साउंड वेव्स हमको मिलती हैं, मिडिल ईयर के थ्रू ही वो इंटरनल इनर ईयर तक पहुंचती हैं, है ना, एंड वहीं पर फिर वो नर्व इंपल्स बनती हैं ताकि हमको सुनाई दे। तो बेसिकली ये जो काम है ये इसको ट्रेवल कराने का और इनर ईयर तक पहुंचाने का, वो मिडिल ईयर करता है, और उसमें वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं, 3 वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं। तो एम्ब्रियोनिक एंड फॉसिल एविडेंस ने प्रूफ किया है कि जो ह्यूमन मिडिल ईयर है दैट हैज इवॉल्व फ्रॉम द स्पाइरेकल ऑफ फिशेस, ठीक है ना, याद रखिएगा, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द स्पाइरेकल ऑफ फिशेस। लेकिन अभी भी इसका जो ओरिजिन है ऑफ द वर्टिब्रेट स्पाइरेकल, वो अभी अनसॉल्व मिस्ट्री है। लेकिन ये समझ में आ गया कि जो हमारा मिडिल ईयर है दैट इज एक्चुअली द इवोल्यूशन फ्रॉम फिश गिल्स एंड ऑल, है ना। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मिडिल ईयर का काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब फ्रंट पेज की एक न्यूज़ है, द्रौपदी मुर्मू सेट टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो NDA की जो मतलब प्रत्याशी हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एंड शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हु इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एक्चुअली ये गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड, प्लस शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड टू कम्प्लीट द टेन्योर, जो कि 5 साल का है ना, तो पूरा टेन्योर कम्प्लीट करने वाली भी ये पहली गवर्नर
गवर्नर थी झारखंड की, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं, और इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ प्रेसिडेंट लाइक हर, है ना, क्योंकि जो चीज़ जो ग्लोरी कहीं ना कहीं मिस हो गई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के टाइम पे, और जो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी फॉर द कहना चाहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी फॉर अ वुमेन प्रेसिडेंट, वो शायद इस बार रिगेन हो जाए एंड दैट ग्लोरी कैन बी ब्रॉट बैक. I hope this will be successful. So I hope you got clarity regarding that as well. आगे move करते हैं और देखते हैं क्या detail में analysis है. यहाँ पे ज़्यादातर polls की चीज़ें आई हैं, election की आई हैं, और महाराष्ट्र में जो इसमें political upheaval चल रहा है उसके ऊपर आई है news. तो वो ज़्यादा अपने exam point of view से important नहीं है, obvious सी बात है, exam point of view से हम उसको discuss नहीं कर सकते. हाँ, अगर पान के ठेले पे खड़े होकर हमको discussion करना होता तो मैं ज़रूर आपको सारी चीज़ें बताता, है ना. यहाँ पे sweeping and opaque. अब यहाँ पे recently NCERT की टेक्स्ट बुक्स का rationalization exercise किया जाएगा, ठीक है ना. rationalization exercise मतलब कि उन बुक्स का जो कंटेंट है उसको रिव्यू किया जाएगा और कंटेंट को थोड़ा उसमें ट्वीक्स किए जाएंगे, ठीक है ना. 6th से लेकर के 12th तक के जो कंटेंट है उसमें रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज की जा रही है. अब इस प्रोजेक्ट ने काफी क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं. कई लोग ने सवाल उठाया कि कंटेंट के साथ चेंज किया जाए, छेड़खानी की जा रही है, कंटेंट को एक किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है. कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि सम चैप्टर्स जिसमें कि दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के बारे में मेंशन था उसमें थोड़ा सा ट्विक्स किया जाएगा. कुछ लोगों ने कहा है कि जो ऐसे मूवमेंट्स रहे हैं कंट्री के जिसमें रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के इमरजेंसी का पीरियड हो गया या 2002 में गुजरात का पीरियड हो गया, तो ये सारे जो हैं इनको रिवाइज किया जाएगा. और ये दीज रिविजन्स बेसिकली जो रहेंगे ये लोगों की थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज करने के एक प्रयास है. देखो कुल मिलाकर के जो भी हो इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास या कोई ऐसा मामला आता है तो आउटराइटली आपको किसी एक चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना है. रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए. दूसरा आपको एक मैं चीज़ बता दूं कि जिन रीजन्स के बारे में आपको नॉलेज अभी नहीं है प्रॉपरली, जैसे मैंने हिस्ट्री में आपने भी ये देखा होगा कि इतने बड़े बड़े किंगडम्स थे, बहुत अच्छे अच्छे किंगडम्स और थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए था. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सत्वहनास के बारे में आप कुछ बताएं, या शुंगास के बारे में आप कुछ बताएं, या फिर मैं आपसे पूछूं कि पांड्यास, चेरा, सिंहकुटवन के बारे में आप बताइए, कलंगी के बारे में बताइए, है ना, पट्टिनी कल्ट के बारे में बताइए, तो ऐसी चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास एक लाइन या मैंने यहाँ से 15-20 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा, है ना. तो बहुत सारा पार्ट ऐसा, त्रिपुरीज के बारे में बताइए, कलजुरीज के बारे में बताइए. तो अगर वही है कि देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विच हैव बीन लेफ्ट आउट, विच हैव नॉट बीन टच्ड वेरी प्रिसाइसली कहना चाहिए. और एक विक्रम संपत जी की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है एज इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ लूजर्स. हमको हर वॉर ऐसा ही दिखाया गया जिसमें हम लूज हुए, हम हारे हों, सिर्फ उन्हीं वॉर्स की बात हुई है. बट चूंकि आवर सिविलाइजेशन हैज सस्टेन्ड इतना लंबा टाइम, वी हैव सस्टेन्ड दैट देर मस्ट हैव बीन सम वॉर्स विच वी हैव वॉन ऑल्सो, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता है. तो विक्रम संपत जी की इस बात से बिल्कुल मैं वो रखता हूँ कि अगर कुछ वॉर्स हम हारे हैं और हमारे ऊपर ऐसा हुआ, इस तरह से रूल किया लोगों ने, तो कुछ वॉर डेफिनेटली ऐसे भी रहेंगे जो हमने जीते होंगे, लेकिन उसकी बात नहीं की जाती. तो हमको एक डीमोटिवेटिंग उसमें रखा जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव लॉस्ट वॉर्स ओनली, है ना. तो उस तरीके से पोर्ट्रे होती है हिस्ट्री, और वही चीज़ थोड़ा चेंज होनी चाहिए. वॉट एवर, देखो हिस्ट्री गलत मत करा पढ़ाओ, कुछ मत गलत मत पढ़ाओ, लेकिन हाँ जो अनटच, जैसे ललितादित्य के बारे में अभी कंटेंट ही नहीं है हिस्ट्री का, किसी किताब में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सब. तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो अनटच्ड चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप सामने ले आइए. एक लोगों को एक दूसरा एस्पेक्ट भी हिस्ट्री का क्या होता है, जो हिस्ट्री लिखी गई है अभी तक वो हमेशा किसी एक व्यू पॉइंट, जो ऑब्वियसली बात है मैं अगर कोई चीज़ लिखूंगा तो उसमें मेरा व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि मैं अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए हर चीज़ लिखूंगा और उससे अपोजिंग जितनी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करूंगा या तो उनको गलत ढंग से पोर्ट्रे करूंगा. तो वही चीज़ है कि हमको वी आर जस्ट लुकिंग एट वन साइड ऑफ द कॉइन, दूसरा साइड हमने देखा ही नहीं है. तो आई थिंक रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, वाकई में रेशनल एक्सरसाइज होनी चाहिए. हाँ, गलत आप हिस्ट्री ज़रूर मत पढ़ाएं, लेकिन हाँ इसमें जो भी चेंजेस हों उसको प्रॉपर कमिटीज़ के थ्रू आप करें, उसको पब्लिक डोमेन में रखें, सोर्सेज को पब्लिक डोमेन में रखें. ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे आपको, अगर आपको कल आंसर लिखना होता है तो आप यही लिखिएगा कि हाँ आप करिए ज़रूर
जरूर करिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में आप सारे सोर्सेज रखिए कि क्या सोर्स है उस चीज़ का, है ना। कोई भी चीज़ इस तरीके से मत लिखिए जो बिना एविडेंस के हो, है ना। एविडेंस बेस्ड चीज़ें ही लिखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ द रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज मस्ट बी डन। आप अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लाइए, अलग अलग एक्सपर्ट्स को लाइए, उनके बाद उनके बीच में डिस्कशन के बाद इसको करवाइए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अ फोर ईयर टेस्ट फॉर अग्निपथ। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है, डीएस हुड्डा ने ये आर्टिकल लिखा है अग्निपथ स्कीम के बारे में, और इसमें जैसे आपको पता है अग्निपथ स्कीम की 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बच्चों को, है ना, पहले साल में 4.72 लाख का पैकेज रहेगा, फिर लास्ट ईयर तक आते आते ये 6.92 लाख का पैकेज हो जाएगा पर एनम, और इसके अलावा इनको पेंशन ये सब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सेवरेंस पैकेज जरूर दिया जाएगा जब इनको हटाया जाएगा। 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को वहां से हटाया जाएगा, लेकिन उनका रिजर्वेशन रहेगा 10% CAPF में, 10% कोस्ट गार्ड में, और उनको एक 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री भी दी जाएगी ताकि वो आगे कुछ और अगर नौकरी करना चाहें तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और उनको प्रेफरेंस स्टेट्स ने कहा है कि हम देंगे, जो भी एटलीस्ट अभी जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वहां के, तो हर स्टेट ने कहा है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। अब ऑथर ने सबसे पहले इसमें बताया कि क्या क्या चीज़ें आर्ग्यूमेंट हैं कि क्यों ये अच्छी एक्सरसाइज है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको दोबारा लिख लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन पूछा मैंने क्रिटिकली एनालाइज, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। पहला है कि आर्मी की जो एवरेज एज है वो अभी 32 ईयर्स है, 32 साल है, 32 ईयर्स से ये घट करके कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स है। तो यंग मतलब कि हमारी जो आर्मी है वो थोड़ा यंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि भैया अगर यंग लोग आएंगे, अब आजकल जो बैटल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल बैटल्स हैं, यंग लोगों की जो समझ है टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमको टेक्नोलॉजिकली भी वॉरफेयर में काफ़ी मदद कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट एज वेल, क्योंकि अगर आप देखें अभी आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लड़के हैं, मैं खुद देखता हूँ कई लोग ऐसे सबॉर्डिनेट हैं, जैसे मेरे अंदर ही अगर कोई सबॉर्डिनेट है, बहुत ज़्यादा जानते हैं, मतलब इनफैक्ट मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा जानते हैं वो कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं कि नए लोग बहुत ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली कुछ उपद्रवी तत्व हमेशा हर जगह रहेंगे, है ना, लेकिन इस तरीके की चीज़ें भी ऐसी भी चीज़ें हैं, ये अच्छी स्टोरीज भी हैं, हमेशा गलत स्टोरीज ही नहीं रहती यूथ के रिगार्डिंग, तो ऐसे लोग भी हैं। तीसरा जो इन्होंने बोला है कि भैया ये लोग जो हैं ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में आती हैं, आर्मी एयरफोर्स, तो ऐसे लोग जब इसमें 4-5 साल काम कर लेंगे, उसके बाद जब वो वापस सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, सिविल सोसाइटी का, तो फिर दे विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, और वहाँ पे फिर वो उस डिसिप्लिन की जहाँ पे भी वो काम कर रहे होंगे वहाँ की एफिशिएंसी को वो ज़रूर बढ़ाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों ये करना चाहिए। फिर क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। इसके भी लोगों ने कहा कि भैया आप बताओ कि उनके अंदर क्या मोटिवेशन रहेगा, अगर उनको पता है कि 4 साल ही काम करना है मेजॉरिटी को, तो फिर उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा उसको बहुत अच्छे से करने का। दूसरा इन्होंने कहा है कि आर्मी जो है वो कोहेशन में काम करती है, तो क्या ये लोग इतना ज़्यादा मतलब कोहेसिव हो पाएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड इनके पास कम है, है ना। दूसरा तीसरा इन्होंने कहा है कि क्या ट्रेनिंग जो 6 महीने की ट्रेनिंग रखी गई है क्या वो इनफ है, क्योंकि आपने तो ये कहा है कि ये वॉर में भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, बट क्या ये 6 महीने की ट्रेनिंग मात्र इनफ है, वो भी 17-18 साल के किसी लड़के के लिए, कि वो इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सके, है ना। जो कि जबकि करंट अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग देखें तो काफ़ी बड़ी ट्रेनिंग होती है, तो क्या ये ट्रेनिंग इनके लिए इनफ रहेगी। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब। और एक जो मैंने कल आपको बताया था कि मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, है ना, अब आपने 17 साल के बच्चे को आर्म्स सिखा दिए, अलग अलग बिल्कुल हाई एंड आर्म्स उसने यूज़ कर लिए हैं, जब वो वापस सोसाइटी का हिस्सा बनेगा और सपोज़ वो कुछ नहीं कर रहा होगा, तो फिर उसके अंदर जो एंगर होगा, उसके अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट होगा, कहीं वो कोई रैश डिसीजन ना ले ले, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है। ऑथर ने यहाँ पे बात बोली कि देखो हर डिसीजन के अंदर कुछ ना कुछ उसके बॉटलनेक्स रहेंगे, एनी डिसीजन दैट यू टेक, मतलब आप नॉर्मल अगर मैं आपको बोलूं कि आप जा करके समोसे ले आओ 4, है ना, सिर्फ इतनी सी बात है, तो ये डिसीजन भी अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, कोई गया व्यक्ति उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, कोई गया व्यक्ति अब वहाँ पे समोसे ले, समोसे के अंदर छिपकली हुई तो क्या होगा, आपको इस गया समोसे लेने अब वहाँ पे उसकी चटनी में कुछ और मिला है तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर के मैं कहता हूँ लाइफ का सबसे छोटा सा सबसे घटिया से जो डिसीजन होगा ना, उसका भी इम्पैक्ट अगर आप एनालिसिस करने आओगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो एनी थिंग कैन हैव एनी इम्पैक्ट, है ना,
सिंपल सी बात है। वहीं पे अगर सिर्फ हम इस डर से कि इस पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी चीज़ को ट्राई ही ना करें, तो विल दैट बी अ गुड थिंग? अब ये हमको सोचने वाली बात है। हाँ, डेफिनेटली इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना। जैसे क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बोला आप जाओ समोसा लेने, अब आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि समोसा लेके आ रहा है, लेकिन जो एक्सीडेंट वाला मैंने एंगल बोला उसको भी ध्यान में रखना है। आपको रोड में आपके अपने एंड पे चलना है, आपको प्रॉपरली दूरी बना करके चलनी है, तो ये फॉलो हमको करना पड़ेगा। तो वही चीज़ गवर्नमेंट के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि भले आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर आप इसको प्रॉपरली उसी तरीके से करो। जैसे 4 साल का टाइम पीरियड आपने दी, मतलब ये ऑथर ने भी यही कहा है, तो ऑथर ने कहा है कि आप उनको 4 साल का टाइम पीरियड दे रहे हो जो कि ठीक टाइम पीरियड है, लेकिन 4 साल के बाद उसको कंटिन्यू करने से पहले आपको इसका प्रॉपर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कि आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा ये अग्निवीर जो है इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, कुछ किया भी कि नहीं किया, है ना। इनके आने से सिर्फ एज कम हुई है या एफिशिएंसी भी बढ़ी है, तो उसका भी एनालिसिस आप करो। तीसरी चीज़ आप ये देखो कि जो लोग आर्मी में अब नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि जो 25% के बाद 75% बचे हुए लोग हैं, उनका फ्यूचर किस तरीके से चॉकआउट हो रहा है, ठीक है ना। उनको 1-8 साल का टाइम दो, तो इस कूलिंग पीरियड में आप जो बीच में रखोगे इसमें आप ये सारी चीजें एनालाइज करोगे, प्रॉपर इसकी एक रिपोर्ट पेश करो, उसके बाद ये जज करो कि वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। लेकिन ये कहना कि अग्निवीर बिल्कुल गलत है या बिल्कुल इस तरीके से इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में जितने भी डिसीजन लिए गए हैं आज तक, ऐसा कोई डिसीजन नहीं रहा होगा जिसका अपोज नहीं हुआ। मेट्रो आने का भी अपोज हुआ था, आपको पता है दिल्ली मेट्रो में जब मेट्रो आ रही थी ना, उसका भी अपोज किया गया था। बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ग्रीन पॉइंट्स ऑफ इंडिया टुडे, है ना। मेट्रो आज दुनिया में जानी जाती है कि दिल्ली मेट्रो जानी जाती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ अपोज नहीं हुई है। उस समय ऑटो रिक्शा वालों ने पोस्ट किया था कि बिल्कुल उनका धंधा बंद, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आदमी के नीड के अकॉर्डिंग सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, फोरेजिंग एक्टिविटीज चेंज करके हर व्यक्ति को एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कैब्स आ गई तो कैब्स के आने पे भी यही हो हल्ला हुआ, ठीक है। वैट 2005 में इंट्रोड्यूस हो रहा था तो भी यही हो हल्ला हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ फेल होंगे कुछ पास होंगे। डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया, सपोज करिए जैसे कि डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया, ऑब्वियसली कुछ चीजें फेल होंगी व्हेन यू टेक डिसीजंस। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ में जब आप अपने घर के डिसीजंस लोगे तो सम डिसीजंस विल गो एज प्लान्ड, बट सम डिसीजंस आर बाउंड टू फेल। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर फेल एक फेल डिसीजन हुआ तो आप डिसीजन लेना बंद कर दो, दिस शुड नॉट हैपन ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वही वाली बात है। और यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि एक मिलिट्री कॉवेनेंट से बंधे होते हैं आर्मी मैन और नेशन, जैसे कि आर्मी जो है वो नेशन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहती है, वहीं पर नेशन भी है जो आर्मी मैन की डिग्निटी लाइफ लिबर्टी इनके लिए अपनी मतलब सब कुछ नौछावर करती है। तो दोनों का जो मिलिट्री कॉवेनेंट है उससे बंधे हुए हैं, और हमको भी ये देखना है कि अग्नि वीर अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर उनका भी लाइफ अच्छे से चले एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही उसको फिर कंटिन्यू करना चाहिए, दिस इज द वे फॉरवर्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, तो ऑथर ने यहाँ बहुत अच्छे शब्दों में समझाया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो फायदा है वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। कुल मिलाकर के सारी देखो ऑब्वियस सी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इंटरेस्ट रेट के थ्रू होती है। मैंने आपको समझाई हुई है कि भैया मार्केट से पैसा खींचते हैं कब, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो लिक्विडिटी कम कर दो, तो उसके लिए क्या करते हैं बैंक्स, उसके लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, रेपो रेट बढ़ाता है, CRR SLR को बढ़ा देता है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता, उसके बाद बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, फिर लोग लोन ना लें, ये सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। तो ऑथर ने कहा ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। मतलब कि अगर आपको पता है कि कल ये बाइक का रेट बढ़ने वाला है ना, आपको पता है कि इसका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाला है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे उस बाइक को आज खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आप जैसा अगर 10 लोग सोचेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, सब लोग जाकर के उसको खरीदने पहुंच जाएंगे, है ना। तो होगा क्या कि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी, जब डिमांड बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी तो अचानक से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना।
और जब आपको लगता है कि ये चीज़ अब सस्ती होने वाली है तो फिर आप वेट करते हो, आप कहते हो कि ठीक है सो कम हो जान दो उसके बाद मैं खरीद लूँगा, तो डिमांड उस पीरियड में घटती है। जब डिमांड उस पीरियड में घटती है तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मेन एम यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एम जो है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है उसको डाउनवर्ड स्लोप देना है, कि आपको ये लगने लगे कि फ्यूचर में ये चीज़ कम होगी, है ना, ताकि आप उसको ना खरीदें और उसकी जब डिमांड कम हो तो उसकी प्राइस घटने लगे। दैट इज द थिंग। एवरीडे इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है इंडिया के ट्विन डेफिसिट कंसर्न्स। तो आज इंडिया में प्रेजेंटली दो मेजर कंसर्न्स हैं ऑथर ने के अकॉर्डिंग, वो है एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है ये बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, मतलब कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब आप माइनस कर देते हो तो जितना आपका शॉर्टफॉल बचता है वो बोरो करना पड़ता है आपको, तो ये टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट को करती है। और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें दो पार्ट होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, तो ये आपका ट्रेड अकाउंट होता है, और दूसरा आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, ये आपका इनविजिबल अकाउंट होता है। तो नेट विजिबल और नेट इनविजिबल्स ये दोनों निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में आप, तो ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये दोनों एक मेजर प्रॉब्लम्स है। ऑब्वियसली बात है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल का इंपोर्ट होता है और ऑयल का चूंकि दाम बढ़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए हमको ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ऑथर ने ये भी कही है कि जो ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स हैं, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिला, जो ग्लोबल स्टैगफ्लेशन देखने को मिला है, वो सारे रीजंस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर दिस इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड द फिस्कल डेफिसिट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कोई और न्यूज़ आर्टिकल है कि नहीं। सो आई थिंक दैट इज इट। एक दो लास्ट है यहाँ पे, लिथुआनिया की न्यूज़ तो इतनी नहीं थी, ये भी नहीं थी वैसे। सोमालिया की कंडीशन, सोमालिया में तीन प्रॉब्लम है, एक तीन सीज बोलते हैं जिनको, क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो थ्री सीज जो प्रॉब्लम है सोमालिया की वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज, दूसरा कॉस्ट मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, वॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो दीज आर द थ्री चैलेंजेस ऑफ सोमालिया, मेजर कंट्रीज की यही चैलेंजेस हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।